आप सबने वीडियो फेसबुक ट्विटर और सभी वेबसाइटों में देखा कि अपने राजस्थान के सुप्रसिद्ध श्री दादा कालूराम जी बिकनिया साहब का अस्मिक कारण से निधन हो गया था। और दोस्तों, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि उनके गांव वालों का सपोर्ट, कालूराम जी बिकनिया साहब के गांव वालों का सपोर्ट, गांव वालों का सपोर्ट और इतनी राजस्थान इंडस्ट्रीज जो बड़ी कंपनियों के वहाँ गायक कलाकार और जो सब भजन गायक जितने भी वहाँ पे आए उन सब के बारे में। विशेष तौर से मैं मोइनुद्दीन जी मनचेला साहब को सलाम करता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे इतने अच्छे भजनों की प्रस्तुति दी कि हम सबका मन खुश हो गया और सब तमाम ऑडियंस का मन खुश हो गया वहाँ पर उनके भजनों की प्रस्तुति को सुनकर। और मोइनुद्दीन मनचेला जी ने इतने अच्छे अच्छे भजनों की प्रस्तुति दी कि तमाम ऑडियंस इतने खुश हो गए और सब मन से एकदम हंसा उड़ गया रे। ऐसे ऐसे भजनों की उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुति दी, बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हैं। और हम उनके गांव वालों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा और यहीं नहीं आउट ऑफ अदर स्टेट में भी ये उनकी ये चर्चा है जो हमेशा रहेगी, सदियों से सदियों तक रहेगी। हम इसी के साथ में हम आपको कुछ बातें और भी बताना चाहते हैं दोस्तों। मोइनुद्दीन मनचेला जी ने वहाँ पर गांव वालों से भी बात करी थी और उनके गांव में जो जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ वहीं उसी जगह पे उनकी मूर्ति स्थापना भी होगी और ये बात वहाँ पर हुई थी, मोइनुद्दीन मनचेला साहब ने ट्वीट पर बताया था। और सभी गांव वालों का बहुत बहुत सपोर्ट रहा है, सब गांव वालों का बहुत बहुत हम विनम्र स्वभाव से उनको प्रणाम करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना सपोर्ट है। और सभी गायक कलाकार वहाँ पे सभी स्टेट से आए थे, सभी डिस्ट्रिक्ट और भी आए थे, तो हम सबको प्रणाम करते हैं हम। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।